अंग्रेजी वर्ष 2024 की आपको अग्रिम बधाइयां। मेष राशि के लिए ये वर्ष क्या सौगात लेकर आ रहा है, किस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए 2024 भाग्य का वर्ष रहेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु लग्न में रहेंगे। आप जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत और प्रयास करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा। पंचम स्थान में चंद्रमा स्थित है। यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपको लाभ की प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी वर्ष अनुकूल है और संतान पक्ष के लिए भी यह वर्ष काफी लाभकारी रहेगा। नवम स्थान में मंगल और सूर्य का राजयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भी उपरोक्त वर्ष अनुकूल रहेगा। बारहवें स्थान में राहु स्थित है, जो कि कुछ नुकसान, चोरी चकारी, वस्तुओं का खोना, गलत जगह निवेश आदि की भूमिका बना सकता है। जब कहीं भी आप निवेश करें, सोच समझ कर आपको करना चाहिए। अष्टम भाव में शुक्र और बुध, अनायास धन की प्राप्ति, कुछ अटका हुआ धन प्राप्त होगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना प्रबल आवश्यक है। नए वर्ष की शुरुआत आप अपने इष्ट देव के साथ करें। आपकी राशि में इष्ट देव सूर्य भगवान और भगवान विष्णु है। आप उनकी पूजा आराधना से नए वर्ष की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लिए उपरोक्त वर्ष कुछ मिले जुले प्रभाव दर्शा रहा है। सर्वप्रथम शनि चंद्र का दृष्टि संबंध, कुछ मानसिक तनाव, चिंताएं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, निकट के लोगों से वाद विवाद आदि की भूमिका बना सकता है। आपको थोड़ा प्रसन्न रहना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी है। सप्तम भाव में शुक्र और बुध का योग, पार्टनर या पत्नी के माध्यम से, पति के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नए वाहन, मकान की प्राप्ति, सुख सुविधाओं की वृद्धि का योग उपरोक्त वर्ष में बन रहा है। विदेश भाव में गुरु स्थित है, जो कि धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्रा या कुछ अच्छी जगह निवेश आदि की भूमिका भी बना रहा है। अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति कुछ हेल्थ से संबंधित बाधा या परेशानी आपको प्रदान कर सकता है। सर्जरी के योग भी बनाता है, जिसका निर्णय आपको सोच समझकर लेना चाहिए। दशम स्थान में स्वराशि का शनि जो नौकरी कर रहे हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। व्यापार वालों के लिए भी लाभकारी रहेगा। लाभ स्थान में राहु है, जो कि कुछ अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ विशेष कार्य करने में भी आप कामयाब हो सकते हैं। नए वर्ष की शुरुआत आप अपने इष्ट देव के साथ करें। वृषभ राशि के लिए इष्ट देव भगवान गणेश जी और दुर्गा माता होती है। मिथुन राशि वालों के लिए नववर्ष 2024 कुछ विशेष योग बना रहा है। भाग्य स्थान में स्वराशि के शनि, जो कि संपूर्ण वर्ष रहेंगे, आपका भाग्य प्रबल होगा। मेहनत का प्रतिफल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लेकिन चतुर्थ और दशम स्थान में केतु और राहु स्थित है, जो कि निकट से निकट के लोगों से वाद विवाद कर सकते हैं। आपको अपने आचरण और व्यवहार को अच्छा बनाकर रखना प्रबल आवश्यक है। दशम स्थान में राहु, आप नौकरी कर रहे हैं तो परिवर्तन की भूमिका बन सकती है। व्यापार कर रहे हैं तो कुछ धोखा हो सकता है, आपको सावधानी बनाकर रखना प्रबल आवश्यक है। तीसरे भाव में चंद्रमा है, तो आपकी दैनिक इनकम बढ़ सकती है, कुछ आप नया प्लान भी कर सकते हैं। प्रेमी वर्ग के लिए शुक्र और बुध लग्न और पंचम का संबंध कुछ वाद विवादों को दर्शाता है, लेकिन विवाह होने के प्रबल योग भी बन सकते हैं। सप्तम भाव आपका बलवान है, जो कि जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पार्टनरी में यदि आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ होगा।
एकादश भाव में गुरु स्थित है जो कि अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करेगा, संतान पक्ष को लाभ होगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है यदि कंपटीशन दे रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने पर भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको नए वर्ष की शुरुआत अपने इष्ट देव के साथ करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए इष्ट भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बनते हैं, जिनकी पूजा साधना करके आप नए वर्ष की शुरुआत करें। कर्क राशि वालों के लिए उपरोक्त वर्ष कुछ विशेष उमंग और खुशी लेकर आ रहा है, क्योंकि लग्न का चंद्रमा वर्ष प्रवेश के समय धन स्थान में रहेगा, जो कि आपके मन के स्वप्न और ख्वाबों को पूर्ण करेगा, मन के अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। दशम स्थान में गुरु भी स्थित है, जो कि नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग, व्यापार कर रहे हैं तो काफी अच्छा विस्तार हो सकता है। और थोड़ा सा प्रयास करके आप यदि मकान या वाहन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपरोक्त वर्ष अनुकूल दिखाई दे रहा है। पंचम स्थान में शुक्र और बुध का विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है, पुराने निवेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी या अच्छी जगह निवेश करने का आपको अवसर भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अष्टम स्थान में शनि स्थित है, जो कि रोग का कारक होता है। यदि आपका स्वास्थ्य प्रभावित चल रहा है तो आपको हर प्रकार से सावधानी और समझदारी बनाकर रखना उचित रहेगा। नवम भाव में राहु स्थित है, यदि आप सैद्धांतिक तरीके से मेहनत और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे तो राहु भाग्य को प्रबल करेगा, अन्यथा कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आपके इष्ट देव हनुमान जी है, हनुमान जी की साधना से आप नए वर्ष में प्रवेश करें। सिंह राशि वालों के लिए नया वर्ष 2024 कुछ विशेष शुभ योग बना रहा है, जिसमें सूर्य और मंगल का संबंध वर्ष प्रवेश के समय लगन और भाग्य का संबंध राजयोग का निर्माण करता है। आप यदि कंपटीशन दे रहे हैं तो 100% आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे और प्रेमी वर्ग के लिए भी उपरोक्त वर्ष बहुत ही अधिक सुख फल प्रदान कर रहा है। चतुर्थ स्थान में शुक्र और बुध स्थित है, जो कि विष्णु लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। घर में नए वाहन मकानों की प्राप्ति, सुख सुविधाओं की वृद्धि हो सकती है, आपके वाहन और मकान का स्वप्न पूर्ण हो सकता है। गुरु आपके भाग्य स्थान में स्थित है, भाग्य को प्रबल कर रहा है। जिस किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत और प्रयास करेंगे उसमें आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन द्वितीय भाव में केतु है, जो कि आपकी वाणी को प्रभावित करता है, आपके निकट से निकट के रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं या लालच के चक्कर में आपको कुछ धन की हानि हो सकती है, अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें। अष्टम स्थान में राहु स्थित है, जो कि अचानक कोई ना कोई व्यवधान या स्वास्थ्य से संबंधित बाधा दे सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना, अमावस्या के दिन बाहर की यात्रा न करें और गरीबों को भोजन आदि का दान आप प्रदान करते रहें। आपके इष्ट देव श्री राम दरबार या राधे कृष्ण है, जिनकी साधना से उनकी पूजा से आप नए वर्ष का प्रारंभ करें। कन्या राशि वालों के लिए उपरोक्त वर्ष कुछ विशेष लाभकारी बन रहा है, लेकिन कुछ बाधाएं भी दिखाई दे रही है। चतुर्थ स्थान में सूर्य और मंगल का योग, भूमि की प्राप्ति, दशम भाव पर दृष्टि, कार्य क्षेत्र का विस्तार, प्रमोशन आदि अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तीसरे स्थान में शुक्र और बुध का विष्णु लक्ष्मी योग, मेहनत और प्रयास से आपके कार्य संपन्न हो सकते हैं, धन प्राप्ति के नए नए साधन भी बनेंगे। लाभ स्थान में चंद्रमा भी अनेक प्रकार के लाभ आपको प्रदान करता है, मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, प्रेमी वर्ग के लिए भी अनुकूलता बनेगी और संतान पक्ष को भी उपरोक्त वर्ष में लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु अष्टम स्थान में स्थित है, जो कि पार्टनरी में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वाद विवाद हो सकता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है या अष्टम भाव का गुरु कुछ पारिवारिक उलझने धन को लेकर चिंता प्रदान करता है। आपको घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराना लाभकारी रहेगा। छठवें स्थान में स्वराशि के शनि, जो कि कर्जा, कॉम्पिटिशन, शत्रु और वाद विवाद उत्पन्न कर सकता है, लेकिन चूंकि स्वराशि का होने से
उन पर विजय भी प्रदान करेगा। नए वर्ष का प्रारंभ आप अपने आराध्य देव इष्ट देव शिव जी की साधना से प्रारंभ करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।